Welcome back, guys. This is Akash, and very good evening to all of you. Am I audible to you guys? Can you please reply? Aman says yes. Okay, fine, Aman. So guys, it's 8:30 now. ओके तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे वेबसाइट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों को आज बेसिक तीन चीज सीखेंगे, जिसमें कि पहला है कि आप डोमेन नेम कैसे चूज करते हैं, वेबसाइट्स को कैसे होस्ट करेंगे, एंड जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे आज वो है वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है। वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है, कैन यू प्लीज रिप्लाई। Can you see my screen? All right, fine. तो first of all, guys, what is www? तो आपने देखा होगा कभी भी आप URL टाइप करते हो तो इसके आगे सबसे पहला जो लगता है ये www, जो triple W इसको आप बोलते हो, that is known as World Wide Web, okay? ये आपको इंटरनेट से कनेक्टेड इंटरनेट से कनेक्ट करता है पूरे ग्लोबली, ओके। तो इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट विच इज ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल, इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। तो ये इंटरनेट का एक पार्ट है जो कि कंप्लीटली ओपन है और इजिली ये एक्सेसिबल है, जिसमें कि ये कंप्लीटली मतलब इंटरनेट को कवर करता है, एक पार्ट है एक तरह से इंटरनेट का, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज वेब होस्टिंग, कि वेब होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो गाइज वेब होस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग योर वेबसाइट ओवर द वेब सर्वर सो एज टू मेक इट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइज यहाँ वेब होस्टिंग को हम लोग समझते हैं, जब आपकी डोमेन नेम आप परचेज कर लेते हो, ठीक है, तब आप परचेज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं इंटरनेट पर, और उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको एक होस्टिंग स्पेस चाहिए होता है इंटरनेट पर, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लैंड कराएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके ट्रैफिक्स आएंगे, यूजर्स आएंगे और आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। तो एक इसके लिए हम लोग एक होस्टिंग सर्वर का प्लान लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट होस्टिंग सर्वर्स, जिसमें कि कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, टॉप थ्री मेजर वेब होस्टिंग सर्वर्स, जिसमें कि पहला है आपका ब्लू होस्ट, सेकेंड वन इज होस्ट गेटर, एंड द थर्ड वन इज आपका बिग रॉक्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग सर्वर्स है। इसके साथ साथ आई थिंक गो डैडी भी अब वेब होस्टिंग प्रोवाइड करने लगा है, वेब होस्टिंग सर्वर, ओके। तो बेसिकली सबसे बढ़िया आपका ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर है, तो मैं दिखाता हूं। तो गाइज देखिए ये आपका ब्लू होस्ट का है होस्टिंग सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है ब्लू होस्ट का .in, आप इसको ओपन करेंगे, ये इंडिया इंडिया बेस्ड है, ठीक है, ये इन वाली वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। और दूसरा जो होस्टिंग सर्वर है आपका होस्ट गेटर का है, ठीक है, ये होस्ट गेटर जो है ये भी इंडिया का आपको ओपन करना है यहाँ पे लिंक, और इसमें आपको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे अगर आप एडवर्टीजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करते हो। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा आपके वेब होस्टिंग सर्वर का वेबसाइट, ओके। और ये कुछ स्पेशल ऑफर भी दे रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, समथिंग कूपन आपको मिल रहा है यहाँ पे। इसके साथ ये दूसरा जो है ये आपका होस्ट गेटर का है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर मिल रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो कि कितने आपको डिस्काउंट मिलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है एड्रेस ऑफ वेब सर्वर इज नोन एज आईपी एड्रेस, जो आपके वेब सर्वर का एड्रेस होगा उस एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ये देखिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के पीछे जो एड्रेस होती है उसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, थीके? जो कि इजीली डिटेक्टेबल होता है, कहीं से भी वो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? कि आपका आईपी सर्वर क्या, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है, तो सेम आपकी वेबसाइट का आपके डोमेन नेम का भी आईपी एड्रेस होता है और आपके सर्वर से आपके सर्वर का वो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जहां से आपने होस्टिंग प्लान को परचेज किया है। नाउ डोमेन नेम इज इजी टू रिमेंबर, दैट इज व्हाई आईपी एड्रेस इज नॉट कंसीडर्ड एज डोमेन नेम।
तो गाइस जैसा कि मैंने बताया अभी, इसके पीछे आईपी एड्रेस छुपा होता है, बिकॉज हर एक आईपी एड्रेस को याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेस हमेशा न्यूमरिक में होता है. फॉर एग्जाम्पल 119.01.02.22, फॉर एग्जाम्पल 9910101.02.02, इस तरह से आईपी एड्रेस होता है. तो ये सब पॉसिबल नहीं है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का, हर एक वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद कर पाना. तो इसीलिए हम लोग डोमेन नेम परचेज करते हैं, जहां से आपकी ये इजीली मेमोरेबल नेम्स होती है, जो कि इजीली किसी कोई भी उसे याद कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है, ठीक है. और उस डोमेन नेम के पीछे आप अपने होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस लगाते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं. तो दैट इज द थिंग गाइज. नाउ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग डोमेन नेम विथ आईपी एड्रेस वेयर यू हैव अपलोडेड योर वेबसाइट इज नोन एज नेम सर्वर. तो गाइज यहाँ पे नेम सर्वर को समझना है कि जब आप कि जो आईपी एड्रेस को जब आप अटैच करते हैं इस अपनी वेबसाइट से, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग नेम सर्वर बोलते हैं, ठीक है. एक नेम सर्वर होता है जहां पे आप उसे चेंज करते हैं, आप अपने डोमेन नेम का आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं जहां पे आपने वेबसाइट्स को अपलोड किया हुआ है, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम लोग नेम सर्वर बोलते हैं, जहां पे आप अपनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं, ठीक है. क्लियर है गाइस, कैन यू प्लीज रिप्लाई. ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और भी क्लियर होगा. नाउ गाइज यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के एक्सटेंशन दिए गए हैं, जिसमें कि डॉट इन जो है इसका मतलब होता है कि ये इंडिया को रेफर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल के लिए जो डॉट इन की वेबसाइट होती है, आप उन वेबसाइट्स को देख के इसलिए बता सकते हैं कि वो इंडिया की वेबसाइट है, ये बता सकते हैं कि वो इंडियन बेस्ड वेबसाइट है या फिर इंडिया में वो सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोगों ने टाइप किया hostgator.in, अगर आप hostgator.com करेंगे तो मे बी वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है. तो इसमें जो ऑफर मिलेंगे आपको, मे बी आपको फॉरेन कंट्रीज के ऑफर मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया में. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए ये बाय सेलेक्टेड यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कभी यूएसए हो जाता है, कभी यूनाइटेड किंगडम आ जाता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्लान बताते हैं, जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे वेब होस्टिंग स्टार्टिंग एट 22 पर मंथ. तो अभी हम लोगों ने ये देखिए ऑटोमेटिकली डॉट इन आ गया, ये आपको यहाँ पे डॉट कॉम खोलना है. तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने .com खोला था वो दूसरा प्राइस बता रहा था, फिर ये ऑटोमेटिकली इंडिया पे आ गया, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर दे रहा है, दैट इज गुड थिंग. और अगर ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे टाइप करके भी आ सकते हो, यानी तो आप गूगल पे थ्रू भी डायरेक्ट टाइप करके आ सकते हैं, ठीक है. तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे इंडिया को चूज किया हुआ है डोमेन नेम के एक्सटेंशन को. जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह भी होता है वो .com है, तो .com का मतलब ये होता है कि वो .com लग गया तो वो ग्लोबल सर्विस को प्रोवाइड करी, दैट मीन्स कि ग्लोबल वो सर्विस देती है. तो यहाँ पे दूसरा एक आता है एक्सटेंशन जो co.in है, इसका मतलब हो गया कॉमर्शियल इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया में सिर्फ कॉमर्शियल है, इंडियन बिजनेस के लिए, ठीक है. इसके बाद दूसरा है तीसरा है .com, ये हो गया वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने अभी बताया कंप्लीट ग्लोबलाइज्ड. फोर्थ वन इज डॉट इन्फो, इसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशनल साइट्स, जो वेबसाइट जिनके लास्ट में डॉट इन्फो लगी होती है वो एक इंफॉर्मेशनल बेस्ड वेबसाइट होती है. या आप अपने मर्जी के हिसाब से एक्सटेंशंस को चूज करते हो, बट सबसे बेस्ट जो होता है वो डॉट कॉम होता है. अगर आपको डॉट कॉम नहीं मिले तब आप जाइए डॉट इन के लिए, ठीक है, जब नहीं मिले तब, या फिर डॉट को डॉट इन. और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस पर्पस से आपने बनाई है या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. उसके बाद .org होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और .ed आपका हो गया एजुकेशनल पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे स्कूल कॉलेजेस की जो वेबसाइट बनती है उसमें आप बेसिकली देखते होंगे .ed लगा होता है. और एक होता है .net भी हो गया गवर्नमेंट पर्पस के लिए, जो वेबसाइट्स होती है आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड ऑल, जितनी भी इस तरह की वेबसाइट है वो .net की यूज करते हैं. और एक फाइनल लास्ट हो गया .biz, ये biz हो गया आपका बिजनेस पर्पस के लिए वेबसाइट. तो ये कुछ एक्सटेंशन है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आप एक्सटेंशन लेना चाहे, बट बेस्ट होता है .com. ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर .com, अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तब .in के लिए चाहिए, और .in भी अवेलेबल ना हो तब .co.in के लिए, ओके. बट फर्स्ट चॉइस इज योर .com. तो दैट इज द थिंग गाइज, मैं इस वर्ड फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, अब प्रैक्टिकल पे थोड़ा काम करते हैं. तो गाइज यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक तीन चीज के बारे में जानना सबसे पहला पड़ेगा, जो कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन नेम को आप चूज करेंगे. सबसे पहले तो हम लोग गोडैडी पे चलते हैं. डोमेन नेम को आपको परचेज करने के लिए गोडैडी ओपन करना होगा.
और या फिर आप यहाँ पे सीधे गूगल पर टाइप कर दीजिए GoDaddy। ओके, तो GoDaddy एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ये, ठीक है, GoDaddy, जिसके हेल्प से आप डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप जो एडवर्टीजमेंट वाला देख रहे हैं ऐड, इस ऐड पे क्लिक कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 100 रुपीज में बहुत चीपर रेट में फर्स्ट ईयर के लिए आपको डोमेन नेम मिलती है। आप इस पे लिंक पे क्लिक करके ओपन करेंगे, और जो दूसरी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन नेम परचेज करना चाहो, अगर आप गोडैडी के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, तो वो है बिग्रॉक्स। तो ये देखिए बिग्रॉक डॉट इन, तो यहाँ पे भी 99 रुपीज में .com दे रही है, ठीक है, सेव अप टू 85% ओनली एट बिग्रॉक्स। तो आप बिग्रॉक्स को भी चूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोडैडी को ही यूज करें। और अगर आपको ऑफर में आना है, तो आप यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो ही आपको ये 99 रुपीज का मिलेगा, और मे बी सेकेंड टाइम आपको ना मिले जो आप ओल्ड यूजर हो जाएंगे तो, ठीक है, कभी कभी ये होता है। तो आप प्लीज वेरीफाई कीजिएगा आपने साइन इन कर रखा है यहाँ पे या नहीं। अगर नहीं किया तो आप नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट कल बना लीजिएगा, या नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्रिएट करवा देगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे डोमेन नेम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैसे चूज करेंगे आप अपना डोमेन नेम, और इसे कैसे होस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस पे आया है गाइस, स्टेप बाय स्टेप, कि हम लोगों को ऐड पे क्लिक करके आना है ताकि हमें कुछ डिस्काउंट्स, कुछ ऑफर मिले। और ये दूसरी वेबसाइट है जो बिगरॉक्स की है, यहाँ से भी आप अपने डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है getyourdesired.com name @99 in less than 2 minute। ओके, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो, कुछ एडिशनल सर्विसेज क्या क्या देंगे, इनके कस्टमर केयर की नंबर क्या है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी जो होस्टिंग सर्वर है, और जो आपके डोमेन जहाँ से आप परचेज करो वो आपको टेलीफोनिक सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इन केस कभी आपके साथ कुछ होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम या आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, देन आप प्रोसीड कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर गोडैडी। तो गाइज, जब आपका फाइनल हो जाता है डोमेन नेम, तब तो आप यहाँ पे उसे सर्च करेंगे पहला। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, learndigitalcourse.com, मैंने यहाँ पे सर्च किया है। तो आप देखिए ये लर्न डिजिटल कोर्स इजिली मिल गया है यहाँ पे 99 रुपीज में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वेन यू रजिस्टर फॉर 2 ईयर्स और मोर, फर्स्ट ईयर प्राइस वुड बी 99 एंड एडिशनल ईयर शुड बी 959। तो आप देखिए ये जो ऑफर आपको मिल रहा है सिर्फ 1 साल के लिए मिल रहा है 99 रुपीज, ये आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। और जो दूसरा साल से जो आपका चार्जेस कटेंगे वो आपको पे करना होगा 959 रुपीज समथिंग, और कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लगते हैं, ठीक है। और देखिए अभी तो ये इजिली अवेलेबल हो गया, यहाँ पे लिख रहा है यस योर डोमेन इज अवेलेबल। और अगर आप कुछ और चूज करें, मे बी कुछ कॉमन नेम अगर आप चूज करते हो तो वो अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखिए ये ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है सॉरी learndigitalmarketing.com is taken, ये ऑलरेडी परचेज कर लिया गया पहले, ठीक है। तो हम लोग इस डोमेन को ही देखते हैं, learndigitalcourse.com। आपको इसे परचेज करने के लिए एड टू कार्ट करना है यहाँ पे, यानी तो कंटिन्यू टू कार्ट करिए, ठीक है। तो आप एड टू कार्ट कीजिए यहाँ पे, ये एड हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ट भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, या फिर आपको और कुछ सर्च करना है आप यहाँ पे और दूसरे डोमेन नेम को सर्च कर सकते हो। तो गाइस, अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, व्हाट विल यू डू विथ योर डोमेन नेम, पूछ रहा है कि आप अपने डोमेन नेम के साथ क्या करना चाहते हैं। तो आप इसे बस नो थैंक्स पर रह के छोड़ दें, इससे कुछ एडिशनल मत भरे। यहाँ पे इंक्लूड्स फ्री मंथ ऑफ वेबसाइट बिल्डर, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप इसे रहने दें। तो ऐसा ही आपको जो जाना है, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान और रखना होगा, ये एक
प्राइवेसी प्रोटेक्शन का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वी हैव एडेड प्राइवेसी, हेयर इज वाई करके लिखा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीन प्लान होते हैं, एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एक प्राइवेसी एंड बिजनेस प्रोटेक्शन और एक नो थैंक्स। जब आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन को इनेबल रखते हैं और जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, जो कि ये आपको दिखा रहा है कि 99 रुपीज पर डोमेन के हिसाब से ये चार्ज करते हैं आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए, डैट मीन्स कि वो पब्लिक अवेलेबल नहीं हो। और अगर आप नो थैंक्स कर देंगे तो ये पब्लिकली आपका डोमेन नेम अवेलेबल हो जाएगा, डैट मीन्स कि वो इजिली कोई भी उसे देख सकता है कि वो डोमेन नेम किसके नाम पे अवेलेबल है, कहाँ से परचेज किया गया, आपकी एड्रेस क्या है, ठीक है। बिकॉज जब आप ये परचेज करेंगे तब वहां पे फाइनल लास्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस, अपना नेम एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। और अगर आप उसे चाहते हो कि आप हाइड रखें और कोई देख ना पाए तो आपको यहाँ पे ये प्लान लेना पड़ेगा, जो कि हर ईयर आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा इसमें भी, और मैं भी ये आगे के प्रोसेस में हम लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छी टूल है जिसका नाम है हु इज लुकअप या हु इज डोमेन टूल्स डॉट कॉम। तो मैं ये आप लोगों के साथ आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। इस टूल के हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपने डोमेन नेम परचेज किया है या फिर किसी कंपटीटर का आप डोमेन नेम चूज करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि वो डोमेन नेम पब्लिकली अवेलेबल है या फिर क्या है, वो किसके नाम से, अगर उनके डिटेल्स अगर प्राइवेसी सिक्योर्ड नहीं होगी, अगर वो पब्लिक अवेलेबल होगा तो वो इजिली कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, आपको जस्ट आपके जो कंपटीटर होंगे यहाँ पे उनका डोमेन नेम को डालना है और जस्ट सर्च कर देना है, ठीक है। और आपको ये उसका सारा डिटेल बता देगा, किन के नाम पे है, कहाँ पे एड्रेस है, क्या है। अगर ये इनेबल होगा प्राइवेसी तो, और अगर डिसेबल होगा तो ये बता, अगर इनेबल होगा प्राइवेसी तो नहीं बता पाएगा और डिसेबल होगा तो इजिली बता देगा। तो अभी मेरे केस में डिसेबल है ये, इनेबल है ये, तो बिल्कुल भी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि किसके नाम पे, बिकॉज ये रॉन्ग रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इनके नाम पे है, कहाँ से परचेज किया गया है, ये सब आईपी एड्रेस की लोकेशन भी कुछ और दिखा रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। वैसा ये दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, ये तो जस्ट सिंपली कहीं से भी मिल जाता है, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है वेबसाइट टाइटल, क्योंकि एंटर करेंगे आप वेबसाइट तो सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिटेल कुछ दिखेंगे आपके सामने, जो कि यहाँ पे ब्लैंक 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 है और बाकी कुछ भी रैंडम नंबर्स सेलेक्टेड है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। जैसे देखिए यहाँ पे कंट्री, फोन, ये सब कुछ भी डाला हुआ है। तो अगर आप इनेबल रखेंगे तो आपको बस इससे प्राइवेसी मिलेगी, कोई भी आपको अनवांटेड कॉल्स या फिर मार्केटिंग, इस तरह से आपको मार्केटिंग के SMS या मेल्स वगैरह इस तरह से टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगे अगर आप इनेबल रखते हैं तो। बस इतनी ही तक बात है गाइस। आई होप कि आपको whois.domaintools.com के बारे में समझ में आ गया कि आप कैसे चेक करते हैं इसे। आपको मैंने ये चैट बॉक्स में लिंक सेंड कर दिया है, प्लीज आप उससे चेक करें, एक बार ट्राई जरूर करें। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे नो थैंक्स को लेके चल रहे हैं, अगर आप लेना चाहें तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अभी नो थैंक्स रहने देंगे एंड जस्ट कंटिन्यू विद दिस ऑप्शन। नाउ गाइज, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपने डोमेन नेम को सेलेक्ट किया है यहाँ के इनके टर्म देख लीजिए कि कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इसे परचेज करना चाह रहे हैं। 1 ईयर के लिए परचेज करना चाह रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए परचेज करना चाह रहे हैं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग बिगनर है तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप फर्स्ट ईयर में आपको पे करने होंगे ऑनली 99 रुपीज, ठीक है। जो कि अब आप देखिए यहाँ पे आपके सब टोटल अमाउंट 99 रुपीज हो गए और 28.65 पैसे आपके टैक्स हो गए, ठीक है। और आपको यहाँ प्रमोशनल कोड ही ऑटोमेटिकली लग गया है और आपको टोटल पेमेंट करनी होगी 127.65 रुपीज की, और उसके बाद आपका ये डोमेन नेम अवेलेबल हो गया, ठीक है आपके पास। और गाइज, अगर आपको प्रोटेक्शन इनेबल करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए बोल रहा है प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ इसे, ऑटोमेटिकली ये प्राइस में इंक्रीज कर देगा 99 रुपीज पर ईयर। तो आप देखिए 241 समथिंग हो गया प्राइस। तो यहाँ पे इसको पब्लिक पर रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको प्रोसीड टू चेकआउट पर जस्ट क्लिक कर देना है, बाकी जो जैसे वैसे ही रहने देना, जस्ट प्रोसीड टू चेकआउट। अगर आप न्यू यूजर है तो आपको ये नहीं बोलेगा, आपको ये बोलेगा अकाउंट क्रिएट करने को, और अगर आप ओल्ड यूजर है तो आप साइन इन करके डायरेक्टली आ सकते हैं इसके पेज पे।
तो प्रोसीड टू चेकआउट अभी के लिए देखिए, मेरा ये डिटेल्स मुझे पता है तो मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ और ये ऑटोमेटिकली मुझसे साइन इन करवा देगा। जो लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइम यूजर होंगे, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। यानी तो कंटिन्यू विद फेसबुक भी आप कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पे लिए साइन इन कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कुछ इस तरह से डिटेल्स मेरे दिख रहे हैं, बिलिंग एड्रेस, और यहाँ पे इस तरह से ये सारा चीज आ रहा है, ठीक है, जो भी डिटेल है। अब आपको यहाँ पे आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन की डिटेल देनी है, जैसे आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड या फिर जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपको डिटेल पुट करनी है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। और जस्ट आपको प्लेस योर ऑर्डर करना है, ठीक है, कैप्चा कोड को पुट करना है और आपका ये सारा हो जाएगा। ओके, तो गाइज यही है कि आप कैसे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जब एक बार कंप्लीट हो जाता है, तब आपके मेल आईडी पे आपको इसके डोमेन नेम की परचेज करने की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन दैट केस मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको वहाँ पर मेल आती है। आपको आपके डोमेन नेम की गेटवे आपकी ओपन हो जाएगी, जस्ट आपको यहाँ पे फिर साइन इन करना रहेगा। तो गाइज ये देखिए, सबसे पहला है ये मेल आएगा इस तरह से जब आप अकाउंट को क्रिएट करते हो तो, ठीक है, वेलकम टू गो डैडी एंड नाइस टू मीट यू समथिंग समथिंग करके आएगा, और यो कस्टमर अकाउंट नंबर आपको मिलेंगे एक जो आपके अकाउंट की होगी, ठीक है। फिर जब आप परचेज करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा डोमेन नेम होस्टिंग सर्विसेज करके, डियर कस्टमर यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गो डैडी एंड समथिंग, आपने परचेज किया है अपने ऑर्डर को, आपको इस तरह से एक मेल आएगा जो कि आपकी पेमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक है। फिर आपको एक मेल आएगा जहां पे आपको लिखा रहेगा ओपन दिस ईमेल एंड रीड द डिटेल्स ऑफ योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर के सारे डिटेल यहाँ पे मिलेंगे। आपने जो डोमेन रजिस्टर किया होगा, परचेज किया होगा, आपको यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने shankhavisuals.com को परचेज किया था, जो कि एक क्वांटिटी थी, टर्म जो उसका था 1 ईयर का था, और प्राइस जो मैंने परचेज किया था दैट टाइम के लिए, जो प्राइस है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी मेल आएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन होना है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, ठीक है। आपको इस तरह से आपके अकाउंट दिखेगी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैनेज माई डोमेन्स है। जब आप मैनेज माई डोमेन्स पे क्लिक करते हो तो आपको डोमेन के डिटेल दिखेंगे कि आपने कौन कौन सी डोमेन परचेज कर रखी है गोडैडी से। तो अभी के लिए देखिए, मैंने गोडैडी से एक डोमेन को परचेज किया, डेट इज shankhavisuals.com, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्सपायर कब होगा, इसका स्टेटस दिख रहा है, एक्टिव है इनएक्टिव है ये साइट, ठीक है, और ये लॉक है या नहीं है, प्राइवेसी है नहीं है, ये सब चीज आपको डिटेल, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डोमेन नेम को करेंगे। आई होप गाइज आपको क्लियर हो रही है ये चीज, एंड कैन यू प्लीज रिप्लाई गाइज, आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम एनीवन, कैन यू प्लीज रिप्लाई विद यस और नो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइज। ओके फाइन। नाउ गाइज अब हम लोग बात करते हैं, जब आपका डोमेन नेम आप परचेज कर लेते हो, इसके बाद आपकी बात होती है कि आप होस्ट कहाँ पे करेंगे ये वेबसाइट को, ठीक है। जब आपकी डोमेन नेम आ जाएगी, ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कहाँ पे करेंगे। होस्ट इन द सेंस एक लैंड होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसे समझिए, एक लैंड हो गया आपके पास, ठीक है,
उस लैंड पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं वहां पे, ठीक है। और एक ऐसे समझिए कि एक जमीन, आपने आपने एक जमीन परचेज किया है जहां पे आपने घर बनाया वहां पे, ठीक है, उसी जमीन पे। और घर बनाने के बाद वहां पे रोड्स कनेक्टेड होंगे जहां पे ट्रैफिक आती जाती होंगी, और जो लोग आपको जानते होंगे वो आपके घर पे या आपके शॉप पे आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वेबसाइट का भी ऐसा ही फंडा है। जब आपकी डोमेन नेम परचेज हो जाती है, तब आप इसे होस्ट करते हो अपने होस्टिंग सर्वर पे। होस्टिंग सर्वर्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग सर्वर्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस एंड प्लान्स ऑफर्स देते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए जो आपको बेस्ट मैं बता रहा हूँ वो ब्लू होस्ट है, होस्टकेटर है। इन दोनों से बेस्ट अभी तक कोई अच्छा है नहीं। आप बेसिकली होस्टकेटर और ब्लू होस्ट को होस्टकेटर और ब्लू होस्ट को आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसके साथ साथ आपको जो ये होस्टिंग प्लान मिलेगी, इस होस्टिंग प्लान के बाद आपका जो सारा काम होगा हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, कि आप अपनी वेबसाइट को, जब आप होस्टिंग प्लान को परचेज करते हो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को कैसे डिजाइन एंड डेवलप करते हैं, उसके लिए हमें वर्डप्रेस का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, तो गाइज वर्डप्रेस इज अ वेरी पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जहां से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और फाइनल फाइनली मतलब उनको उस अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं डिजाइनिंग के तरह, मतलब डिजाइनिंग करके, ठीक है। तो गाइज वर्डप्रेस बहुत पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे जस्ट आपको सारे चीज वहां पर डिटेल्स दिए गए होंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है। आपको वहां पे कोई भी कोडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जस्ट आपको स्टेप फॉलो करते जाना है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो सेकेंड स्टेप है वो होस्टिंग के ऊपर है, कि अब आप होस्टिंग प्लान को कैसे परचेज करते हैं। अब आपने डोमेन परचेज कर लिया है, इस लिंक को मैं साइड में रखता हूँ अभी, इस टैब को। मैंने हम लोगों ने होस्ट डोमेन परचेज किया, अब हम लोग होस्टिंग परचेज करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं होस्ट गेटर से, मैं ब्लू होस्ट से बताता हूँ कि ब्लू होस्ट में आप कैसे परचेज करेंगे। आपको जस्ट bluehost.com या .in पे जाना है। .in पे जाए आप ज्यादा सही है, ये ऑटोमेटिकली .in हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब आप bluehost की वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक होस्टिंग का टैब दिखेगा। इस होस्टिंग टैब के ऊपर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग के प्लान्स दिख रहे हैं, टैब्स दिखेंगे नेविगेशन, जो कि एक पहला शेयर्ड होस्टिंग है, दूसरा रिसेलर होस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लीजिए शेयर्ड होस्टिंग और रिसेलर होस्टिंग का, फर्क क्या होता है। तो रिसेलर होस्टिंग गाइस वो होती है जो आप इसको रिसेल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। एक बार परचेज कर लिया आपने बल्क में, उसके बाद आप इसे दोबारा से रिसेल करते हैं, दैट इज रिसेलर वर्जन, ठीक है। आप इसके लिए इन दोनों होस्टिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि लिनक्स रिसेलर होस्टिंग है और विंडोज रिसेलर होस्टिंग है। लिनक्स और विंडोज दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर का, जहां पे आप होस्ट करेंगे आप अपनी वेबसाइट को। उसी तरह से शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये हो गया जहां पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं एक सर्वर पे, ठीक है। इसमें आपका लिनक्स होस्टिंग आ गया, विंडोज होस्टिंग आ गया और वर्डप्रेस होस्टिंग आ गया, ठीक है। लिनक्स और विंडोज मैंने बताया आपको अभी अभी, ये दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तब आप इन दोनों को प्लान को ले सकते हो, जिसमें कि .asp, .net, MySQL, इन सभी पे आप होस्ट करते हो विंडोज होस्टिंग के होस्टिंग प्लान लेने पे। और लिनक्स पे आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि PHP वगैरह, तब आप यहाँ पे होस्ट करते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोग आने वाले अभी क्लासेस में वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे, वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग को परचेज करना होगा, ठीक है। जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ब्रांड न्यू, दैट इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। दैट मीन्स कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे, तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत ही ऑप्टिमाइज होस्टिंग प्लान है। तो आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है वर्डप्रेस होस्टिंग पे यहाँ पे। तो देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे तीन अलग अलग प्लान दिखेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो आप देख रहे हैं ये यूनाइटेड किंगडम का दिखा रहा है यहाँ पे। इसका जो सर्वर लोकेशन आप देखिए है ना, ये दिखने से इसका जो फ्लैग आप देख रहे हैं सिम्बॉल, ये दूसरे कंट्री का दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, बिकॉज आपको प्लान भी इसी के हिसाब से दिखेगा यहाँ पे।
तो आई थिंक गाइस यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। तो गाइज अब आप देखिए, मैंने इंडिया की वेबसाइट पे आ गए हम लोग, जो ब्लू होस्ट की इंडिया वेबसाइट, इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे यूएस और इंडिया आप देख रहे हैं, दो टैब दिया गया है। तो इंडिया आप चेक कर लीजिएगा कि इंडिया पे आपने क्लिक किया या नहीं किया है, अदरवाइज प्राइस का फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली तीन प्लान है ब्लू होस्ट में, स्टैंडर्ड प्लान, बिजनेस प्लान और प्रोफेशनल प्लान। तो स्टैंडर्ड प्लान की जो प्राइस है 249 पर मंथ दिखा रहा है। ठीक है, जब आप एनुअल पैक के लिए लेंगे तो ये और डिस्काउंट हो जाता है, पर मंथ के हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और बिजनेस प्लान में आप देखिए, यहाँ पे आपको तीन डोमेन आप होस्ट कर सकते हैं एक वेबसाइट, मतलब एक सर्वर पे, डोमेन सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर पे। और यहाँ स्टैंडर्ड प्लान में आप सिंगल डोमेन को होस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप एक ही वेबसाइट, एक ही डोमेन को आप होस्ट कर पाएंगे इस वेब सर्वर पे। लेकिन ये प्लान अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आप मैक्सिमम तीन वेबसाइट को, और अगर आप प्रोफेशनल प्लान लेते हैं तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ये कॉस्टली भी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही नहीं, ये बहुत कॉस्टली है प्रोफेशनल। तो डिपेंड करता है कि आप बिगनर हो या प्रोफेशनल हो या फिर आप मिडल में, कौन से प्लान आपके लिए डिपेंड, मतलब जरूरी है, आप उसको देख के यहाँ पे परचेज करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड प्लान को लेके चले। ठीक है, तो यहाँ के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड प्लान के बारे में बता रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्लान को। तो ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, जब आप स्टैंडर्ड प्लान पे आए, कि डू यू ऑलरेडी हैव अ डोमेन फॉर योर होस्टिंग प्लान। तो अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो इन दैट केस मेरे पास है तो मैं यस कर रहा हूँ, और ये पूछेगा आपसे आपके डोमेन नेम का एड्रेस, तो आपको यहाँ पुट करना है। और यहाँ से टिक को हटा देना है, अनटिक कर देना है, अदरवाइज फिर प्राइसेस में सडन इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन एडिशनल फीचर्स से बचना है, नहीं तो आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। अगर आपको लगता है कि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर अनटिक कर दे और कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक कर दे। तो देखिए, ये ऑटोमेटिकली हमारा साइट को ओके कर दिया है, जो भी हमारी डोमेन नेम थी। और इसके बाद आपको प्लान्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सबसे पहले चेक करना है, कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 साल का ये हो जाता है बाय डिफॉल्ट ड्यूरेशन। ठीक है, और आपकी जो ये होस्टिंग सर्वर है, जो ये है शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है, यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग आ गया है। हम लोगों ने वर्डप्रेस होस्टिंग किया था, बट ये कुछ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आप इसे चेक करेंगे यहाँ पे। और ये ड्यूरेशन जो है आपको यहाँ पे 1 ईयर चूज करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप 1 ईयर चूज करेंगे तो 359 पर मंथ हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सडन इंक्रीज हो जाता है, आपको बाहर कुछ दिखता है और यहाँ अंदर आने के बाद कुछ दिखता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है, और आपको ये चेक करना है कि आपके कूपन कोड एप्लीकेबल हो गया है यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट के लिंक पे क्लिक करके आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऑफर्स मिलते हैं। ठीक है, उनको आप देखेंगे यहाँ पे एंड देन फिर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। और अभी की देखिए, हमारी टोटल कॉस्टिंग जो आ रही थी वो 4,308 रुपीज की लमसम में है, जो कि आपको कूपन डिस्काउंट लगाने के बाद 2,724 रुपीज समथिंग आपको आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको 1,938 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है इस कूपन को अप्लाई करने के बाद। तो आप भी इस तरह से कुछ एड पे क्लिक करके आपको भी हेवी डिस्काउंट मिल जाएगी यहाँ पे जब आप परचेज करेंगे तो, और सिंपली आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट। तो गाइज मैं एक बार दोबारा से इसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए, मैं यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग दिखा रहा है इसीलिए, तो जस्ट गिव मी अ मिनट।
गाइज आप यहां से डोमेन नेम को भी परचेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप यहां से डोमेन नेम को परचेज करेंगे तो आई थिंक आप होस्टिंग सर्वर परचेज करेंगे तो आई थिंक यहां से डोमेन नेम एक फ्री मिलता है, लेकिन प्राइस विल भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है फ्री बोल के, लेकिन ये लोग प्राइस तो लगभग लगभग ले लेते हैं। बट आप फर्स्ट टाइम जब आप परचेज करोगे तो कुछ कॉन्सेशन यहाँ मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो गाइज उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये गलत यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया जो कि चेंज अभी नहीं हो पाया है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। मैं अभी आपको दूसरा भी दिखाऊंगा होस्ट गेटर पे करके, तो ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि आपने ये पे कौन सा प्लान को सेलेक्ट किया हुआ है, एंड देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान को परचेज करना है, तो आपको यहाँ पे शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग को ही परचेज करना होगा। लिनक्स होस्टिंग अगर आप लेंगे तो फिर आपको उसके लिए पीएचपी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। देन प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन करके आप आ जाएंगे, और देखिए जो नए यूजर है आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इन 10 सेकेंड में आप अकाउंट को क्रिएट करके आ सकते हो, और उसके बाद जस्ट सिंपली आपको पेमेंट करना है यहाँ पे। तो अगर आप जब जैसे ही से पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको डिटेल कैसे मिलेगा आपके मेल आईडी पे। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह, ऑटोमेटिकली ये ब्लू होस्ट वाले आपको सारा डिटेल आपकी वेबसाइट पर, जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड, आप कैसे जाएंगे कंट्रोल पैनल में, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके मेल आईडी पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे मेल आएगी, ठीक है। आप कैसे समझेंगे कि क्या आपका डिटेल है और आपको कैसे ओपन करना है अपनी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल। जस्ट सिंपली आपको जो मेल आएगी आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको कहाँ पे मेल आया है। तो गाइज देखिए जब मैंने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था तो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से मेल आई थी मुझे, ठीक है। जो मेरा कस्टमर आईडी था ब्लू होस्ट का, जो भी जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको एक कस्टमर आईडी मिलती है। यहाँ गोडैडी पे अगर आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी भी एक कस्टमर आईडी जनरेट होती है। आप देखिए जैसे मैंने गोडैडी पे अकाउंट बनाया था तो मेरा कस्टमर आईडी इस तरह से 10 19 डिजिट का था यहाँ पे जो शो करता है। तो अगर आप कभी भी गोडैडी के कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट कस्टमर आईडी आपका पूछेंगे, जो कि आपको ये आईडी आपको उनको देना पड़ेगा। जब आप देंगे तो आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, शेयर हो जाती है, और वो आपको कम्प्लीटली और इजिली आपको गाइड कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो आपको ये आईडी को पता रखना होगा कि कहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे, ये गोडैडी का इसमें मिलेगा। उसी तरह से जब आप ब्लू होस्ट पे बनाएंगे तो आपको भी ब्लू होस्ट की जब लॉग इन सेशन मिलेगी आपको भी एक इसी तरह से आईडी और आईडी मिलेगा, कस्टमर आईडी यहाँ पे। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको मेल पे भी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, और आपकी जो पिन नंबर होगी वो भी आपको मेल पे चला जाएगा। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से पहला मेल बन के आएगा, और दूसरा मेल जब आप परचेज कर लेते हो तो आपको ये ऑर्डर आपके डोमेन नेम का जब परचेज हो जाता है ब्लू होस्ट से, तो आपको उसको एक आपको एक रिसिप्ट मिलता है, पेमेंट इनवॉइस, जो कि एक अटैचमेंट भी वो लोग भेजते हैं जो आपने परचेज की होगी। फिर दूसरा जो आपकी होस्टिंग जो परचेज करते हो उसका, आप देखिए मैंने जो वेब सर्वर जो परचेज किया था उसका मुझे इनवॉइस आया है 5000 एंड समथिंग का। तो इस तरह से आपको इनवॉइस मिलती है, यहाँ पे अटैचमेंट भी वो अटैच करके भेज देते हैं इनवॉइस। और जब तीसरा मेल आएगा इसमें आपको सारी चीज दिए जाएंगे कि कैसे आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे अपने डिटेल्स को, ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये डियर कस्टमर्स कॉन्ग्रेचुलेशन, योर परचेज ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज फॉर योर डोमेन नेम हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हियर आर द डिटेल्स ऑफ सर्विस फॉर योर रेफरेंस। तो इस तरह से आएगा। तो डोमेन नेम akashdigitalmarketer.com, एंड उसके बाद इस तरह से बेसिक कुछ दिखा रहा है। और फिर आप आएंगे इधर, यहाँ पे आपको देखिए ऑर्डर डिटेल में आपको मिलेगा आपका डोमेन नेम,
इसके साथ साथ इनकी एक्सपायरी डेट कब है ये डिटेल्स दिखेंगे आपको, और ये कौन सी होस्टिंग है, ये मल्टीपल होस्टिंग मैंने परचेज किया था, ठीक है, जिसमें कि अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिला था, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिला था, जो कि होस्टेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया बेस्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही था मेरा, तो आप भी लिनक्स परचेज कर सकते हो या वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स के लिए ले सकते हो, ठीक है। और एक्सेसिंग योर वेबसाइट के लिए आपको एक इमीडिएट लिंक मिलेगा, जो कि आपको जो भी आपने डोमेन नेम परचेज किएंगे तो टेम्प्रोरी यूआरएल मिलते हैं फिलहाल के लिए, जो कि आप इजिली क्लिक करके वन क्लिक पे आप अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपको एक ब्लैंक पेज दिखेगा उस टाइम जब आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो। और इन ऑर्डर टू एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग आपकी डोमेन नेम के लिए है, तो यू नीड टू चेंज द नेम सर्वर्स ऑफ योर वेबसाइट। तो मैंने अभी भी बताया कि नेम सर्वर होते हैं आपके आईपी एड्रेस, तो आपके जो वेब सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा, दैट मींस कि जहां से आपने अपना होस्टिंग प्लान को परचेज किया, इन माय केस जो मैंने ब्लू होस्ट से परचेज किया है, तो ब्लू होस्ट का आईपी सर्वर होता है, जो कि नेम सर्वर आईपी एड्रेस होती है, उस आईपी एड्रेस को आपको अपने गोडैडी अकाउंट पर जहां से आपने डोमेन नेम परचेज की होगी तो वहां पे जाना होगा। जैसे कि मेरे केस में गोडैडी में मैं आपको दिखाया कि गोडैडी में मैंने परचेज किया था, ये तो खैर दूसरा डोमेन नेम है, तो आपने जहां से भी परचेज, अगर आप ब्लू होस्ट से ही परचेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा, नेम सर्वर को चेंज कर देगा, और अगर आप नहीं ब्लू होस्ट से परचेज किए, अपने डोमेन नेम कहीं और से परचेज किया और होस्टिंग कहीं और से परचेज किया है, तो जहां से आपने डोमेन परचेज किया था वहां के आपको अकाउंट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने गोडैडी से परचेज किया था, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आने के लिए मैंने बताया था कि आपको यहाँ डोमेन्स पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी प्रोफाइल पे क्लिक करके आए थे इस पेज पे, यहाँ पे आपको डोमेन्स की डिटेल दिखती है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखता है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेट नेम सर्वर का एक ऑप्शन आता है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा कि आप यहाँ पे इंटर योर न्यू नेम सर्वर और एड न्यू नेम सर्वर करके, तो यहाँ पे देखिए एक नेम सर्वर का टैब आ गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज का एक ऑप्शन है, आपको चेंज पे सिंपली क्लिक करना है, ये बाय डिफॉल्ट टाइम में फर्स्ट टाइम में ये डिफॉल्ट रहता है, आपको इसे कस्टम सेलेक्ट करना है, कस्टम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेम सर्वर्स को पुट करने हैं, और ये नेम सर्वर्स कहाँ से मिलेगा, तो आपके मेल आईडी पे नेम सर्वर चला जाता है, देखिए यहाँ पे नेम सर्वर वन एंड नेम सर्वर टू, तो वन बाय वन करके आपको ये इन दोनों नेम सर्वर को कॉपी करना है ऐसे करके, और जस्ट आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है नेम सर्वर को वन एंड टू, और इसे जस्ट सेव कर लेना, दोनों को करने के बाद जस्ट सेव करना है, ये 5 मिनट से 24 से 48 घंटा का समय लेता है ये अपडेट होने में, कभी कभी 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर भी हो जाता है, तो कभी कभी 1 से 2 दिन का समय भी लेता है, तो आप इसे करके छोड़ दें, ये जब ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपकी होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स कि जब आपकी कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा मतलब जाएगा तो ये आपकी होस्टिंग सर्वर से वो कनेक्ट हो जाएगा और वेबसाइट ओपन होने लगेगी, मतलब कि एक उन्हें पेज दिखने लगेगा कमिंग सून का, या फिर अपाची डॉट इंडेक्स इस तरह से कुछ पेज आ जाएंगे जो भी हम लोग आने वाले क्लासेस में आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा डीएनएस होता है, डोमेन रजिस्टर्ड यूएस, तो इसे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो आपका डीएनएस है वैसा ही इसे रखना है, बट यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि इट विल टेक 24 to 72 आवर्स फॉर द नेम सर्वर चेंजेस टू कम इन टू इफेक्ट, तो ये जब इफेक्ट में आएगा तो इसे कम से कम 24 से 72 घंटे लगते हैं और मिनिमम 5 मिनट, तो बेसिकली 5 से 10 मिनट में हो जाता है, कभी कभी जनरली हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि मैनेजिंग योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल पैनल का क्विक लिंक मिलता है, यानी तो आपकी जो नेम सब आपकी जो डोमेन नेम होगी, आप उस डोमेन नेम को टाइप करने के बाद /cPanel आप टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरह से आपका डोमेन कंट्रोल पैनल का एक्सेस खुल के आएगा, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है, ये यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको मेल पे आ जाएंगे कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। इन दैट केस, इन माई केस आप देखिए यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको पुट करना है, तो गाइज मैं एक बात बता सकता हूँ कि अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पासवर्ड ये नहीं है, मैंने चेंज कर रखा है, सो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं यहाँ से मेरा एक्सेस ले पाए अकाउंट का, तो ये नहीं हो पाएगा, मैंने ऑलरेडी ये चेंज कर रखा है, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पे जस्ट लॉग इन करना है, तो आपका ये कंट्रोल पैनल खुलेगा, ठीक है, होस्टिंग सर्वर का कंट्रोल पैनल, जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, ये आपका मेन कंट्रोल पैनल है। उसके बाद आपको एक FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, जो कि आपके होस्टिंग पैकेज के साथ है, इसे आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास यहाँ पे डिटेल है इसी का कंट्रोल पैनल का, देन उसके बाद आता है मैनेज योर ईमेल अकाउंट, आपको यहाँ पे फ्री ईमेल अकाउंट भी दिए जाते हैं, योर होस्टिंग पैकेज आल्सो इंक्लूड्स ईमेल होस्टिंग,
You can administer your email service through control panel or refer to email administrator guide. इस तरह से आएगा आपको. आप यहाँ से अपना professional और business email address भी, email ID भी create कर सकते हैं. For example, info@xyz.com, hello@xyz.com, askme@xyz.com. That means कि जो भी आपका domain name होगा, इस तरह से आप professional अपना email ID भी यहाँ पे generate कर पाएंगे. तो ये एक आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके मेल आईडी पे कंप्लीट आ जाता है, ठीक है, जब आप परचेज करते हो. तो ये पूरा आपका होस्टिंग परचेज का सिस्टम हुआ, मतलब प्रोसेस हुआ कि कैसे आप यहाँ से परचेज करते हैं, ये ब्लू होस्ट का मैंने बताया. तो सेम इसी तरह से होस्ट गेटर भी एक अलग डिफरेंट कंपनी है जो होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करती है. अगर आपको अच्छा लग रहा है होस्ट सर्वर होस्ट गेटर से आने का, तो आप होस्ट गेटर पे भी परचेज कर सकते हो यहाँ से. अगर आपको प्राइस में कुछ फर्क दिख रहा है या फिर कुछ फीचर्स में डिफरेंस दिख रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि होस्ट गेटर बेस्ट है या फिर ब्लू होस्ट बेस्ट है. दोनों बेस्ट है, जस्ट माइनर सा डिफरेंस होता है छोटे छोटे चीज के. जैसे कि ब्लू होस्ट में आपको डोमेन फ्री में मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन होस्ट गेटर में आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं. तो यार डिपेंड करता है, डिस्काउंट दोनों तरफ मिलते हैं, लेकिन 19-20 का जस्ट फर्क होता है. मैंने बताया ना, थोड़ा सा बस डिस्काउंट का फर्क रहता है, कुछ ज्यादा भी नहीं. इनकी स्पीड भी अच्छी है, इनकी बैंडविड्थ भी अच्छी है, आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी. इनकी भी वेबसाइट अच्छी है, बस 19-20 का फर्क होता है. कोई ये वेबसाइट को खोलने के लिए 1.52 सेकंड्स लेता है और ये लोड होने के लिए वेबसाइट को 1.35 सेकंड लेता है. तो बात एकदम माइनर सा ही फर्क का है, ठीक है. तो दोनों अपने आप में बेस्ट है, तो ये आप देख सकते हो कि कौन आपको सूट करता है. और दोनों का कंट्रोल पैनल बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और आप इजीली एक्सेस कर पा सकते हैं अपने कंट्रोल पैनल को. तो जब आपके कंट्रोल पैनल की डिटेल मिलेगी, जस्ट आपको सिंपली लॉग इन करना होता है यहाँ पे. तो जब आप लॉग इन करते हो, तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने दिखती है, ठीक है. इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी आपके स्क्रीन पे. ये आपका मेन कंट्रोल पैनल का लॉग इन स्क्रीन है गाइस, ठीक है. आई होप कि मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ गाइस. कैन यू प्लीज रिप्लाई अगर आपको बात समझ में आ रही है तो, या फिर कहीं पे डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. प्लीज रिप्लाई गाइस विद यस और नो. तो गाइज आपका ये कंट्रोल पैनल है कुछ इस तरह से दिखेगा. ये ब्लू होस्ट का कंट्रोल पैनल है, ठीक है. उसी तरह से जब आप होस्ट गेटर से परचेज करेंगे, तो होस्ट गेटर का थोड़ा सा ये बॉर्डर और स्क्वायर हो जाता है, मतलब और रेक्टेंगल थोड़ा सा बोल्ड ब्रॉड हो जाता है. दैट मीन्स की थोड़ा सा विड्थ इसकी भर जाती है. बाकी सब सिस्टम फीचर्स एक ही होते हैं, ठीक है. माइनर से चेंज फर्क होते हैं, बाकी सारे चीज एक ही होते हैं. तो इस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं. और आपको कंट्रोल पैनल में एक्सेस करने के लिए आपको जस्ट अपनी डोमेन नेम टाइप करनी है और स्लैश आपको सी पैनल लिखना है यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली आपका ये यहाँ पे खुल जाएगा कंट्रोल पैनल का. यानी तो आप अपने मेल आईडी पे जाके भी जो आपके लिंक होगी, जैसे कि आपकी जो लिंक थी उस पर क्लिक करना है आपको, जो आपके ब्लू होस्ट के जो भी आपको डिटेल मिले होंगे आपके ऑर्डर्स के और जो भी आपके वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके ये देखिए आपको यहाँ पर से मैनेज ऑर्डर है यहाँ पे जा सकते हो, या यहाँ पे आप यूआरएल पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपने कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है. एक्सेस का लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको वो मेल कर देते हैं गाइस, बी क्लियर अबाउट इट. और जब आपको एक्सेस मिल जाता है आपके कंट्रोल पैनल का, ये सब हो जाती है. जब आप कंट्रोल पैनल पे आ जाते हैं, देन आप यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट पे. तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस इज वेरी पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप करते हो, ठीक है. ये है wordpress.org और एक है wordpress.com. तो यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, wordpress.org एंड .com में बहुत डिफरेंस है. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है गाइस .com एंड .org में, बिकॉज .org जो है ये फुल्ली कंट्रोलेबल वेबसाइट है, जहां से आप पूरा वेबसाइट को कंट्रोल खुद करते हैं, ठीक है. पूरी फुल परमिशन होती है आपकी वेब पास, मतलब फुल अथॉरिटी होती है कि आप जैसे मन आप अपनी वेबसाइट को वैसे ऑप्टिमाइज वैसे आप चलाते हैं. लेकिन
यहाँ जो डॉट कॉम होती है, जो वर्डप्रेस डॉट कॉम होती है, इसके इस पे अगर आप बनाते हैं वेबसाइट, तो इसके इसके आप बनाने पर आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होती है, कंप्लीट आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक्स यूजिंग वर्डप्रेस डॉट कॉम। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को कि आप कभी भी यहाँ पे वेबसाइट ना बनाए, बिकॉज ये एक तरह से फ्री वेबसाइट होती है जो आप डॉट कॉम के थ्रू बना के आएंगे। इसमें आपको ये फ्री में बना देते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है, और जिसमें कि आपकी एसईओ अच्छी नहीं होगी फ्री वेबसाइट में, और आपको हमेशा एक सब डोमेन लगा रहेगा जो कि वर्डप्रेस डॉट कॉम लास्ट में एक सब डोमेन हो जाता है आपके डोमेन नेम के बाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक जो मेरी वेबसाइट है आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम, ये वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे बनी हुई है। दैट मीन्स कि ये कम्प्लीटली कंट्रोलेबल है, मेरे हाथ में, मेरे अंडर में है, जो मैं इसे मैनेज करता हूँ, ठीक है, पूरी अथॉरिटी है मेरे पास इसको कंट्रोल करने का। और एक जो मैंने दूसरा बनाया था स्टार्टिंग में, दैट इज आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम है, ठीक है, ये वर्डप्रेस डॉट कॉम। आप फर्क देखिएगा, इसकी जो सब डोमेन लग गई यहाँ पे, ये हमारा डोमेन नेम जो है ये इतना ही है, आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम, और ये जो मैंने फ्री में बनाया था दैट इज आकाश डिजिटल मार्केटर और डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम, ये एडिशनल सब डोमेन अलग से लग गया। तो मैंने ये डोमेन को परचेज भी नहीं किया था, जस्ट फ्री में है, तो यहाँ पे आप सब डोमेन देख ही रहे हो, वर्डप्रेस डॉट कॉम आपको एड लास्ट में ऐड हो जाता है, और अगर आप परचेज करके आएंगे तो आपको लास्ट लास्ट में कुछ ऐड नहीं होगा, और ये आपका कंप्लीट आपके हाथ में वेबसाइट होगा, आप जैसे चाहो इसे कंट्रोल कर सकते हो। और फ्री वेबसाइट पे जब आप बनाएंगे तो फ्री थीम्स भी मिलेंगे, बट फ्री वाली वेबसाइट में उतने अच्छी थीम्स नहीं मिलती है जितनी अच्छी थीम्स आपको इसमें मिल जाएगी जब आप परचेज करके आएंगे तो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप देखिए, इसकी उतनी अच्छी क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, उतनी अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ एसईओ इसकी अच्छी नहीं होती है, गूगल आपको कभी भी इसमें एसईओ करके अच्छा नहीं कर पाएगा, इसकी अपनी एसईओ है, और कभी भी प्रॉब्लम होगी कुछ, मे बी आपको ये इसका जो फ्री होस्टिंग वेबसाइट है ये आपको कभी भी बंद कर सकता है, दैट मीन्स कभी भी होस्टिंग बंद हो सकती है, लेकिन आप जो पेड पैसे देके आएंगे अपना सेल्फ जो आप वेब होस्टिंग सर्वर परचेज करके आएंगे, तो यहाँ पे ऐसी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, इसकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी एसईओ अच्छी होगी, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा, मतलब बहुत स्पीड से काम करेगा साइट, कभी भी आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चांसेस है आपकी वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है, डाउन हो सकती है, हैकर्स हैक कर सकते हैं, बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं डॉट कॉम के थ्रू अगर आप वेबसाइट पे आते हैं तो। तो गाइस आज के क्लास को मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं लूंगा, आज के क्लास को मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे पूरा कि कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आप अपनी वेबसाइट पे, और कैसे आप कस्टमाइज करेंगे आप अपनी वेबसाइट को, डिजाइन रेडी करेंगे, ठीक है। और हम लोग कल ये भी सीखेंगे कि नेम सर्वर्स को कैसे चेंज करते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने तीन चीज सीखा स्टार्टिंग में, कैसे आप डोमेन नेम सेलेक्ट करते हो, परचेज करते हो, दूसरा होस्टिंग कैसे आप करते हो, जो कि हम लोगों ने अभी होस्ट गेटर और ब्लू होस्ट के बारे में जाना कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, परचेज उसे कैसे करना है इसको सीखा, और तीसरा हम लोगों ने सीखा कि आप अपने कंट्रोल पैनल को कैसे एक्सेस करते हैं, जहां पे आपको ये कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तीन चीज सीखा, और जो फोर्थ वन हम लोगों ने सीखा ये वर्डप्रेस के ऊपर था कि आप जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो इसकी जो डिफरेंस होती है डॉट ओ आर जी और डॉट कॉम के बारे में, ये चीज हम लोगों ने सीखा। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इससे अपने वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस के बारे में कुछ और भी सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और पॉइंट्स, ठीक है, होता क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज अटेंडेंस बहुत पुअर है, इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, अदरवाइज बहुत सारे चीज लोगों के मिस हो जाएंगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग हेल्प नहीं करेगी इस चीज में, तो इसके लिए थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। तो जो लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, मे बी डोमेन नेम नहीं है, वो परचेज कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो, ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स निकल रहे हैं, आप परचेज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप तब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप कितना भी देख ले, आप अगर आप खुद से इसे ट्रायल नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ ना कुछ आप मिस जरूर करते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, आप अपनी वेबसाइट बनाना, जो कि आने वाले समय में मे बी आपकी वो अच्छी ब्रांड बन जाए, ब्रांड बन सकती है, ठीक है। तो आई होप गाइज यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, कैन यू प्लीज रिप्लाई। गाइज कैन यू प्लीज रिप्लाई विथ यस और नो।
अमन सेज यस, ओके थैंक यू अमन। तो गाइस आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और कल हम लोग सेम टाइम में मिलते हैं। और कल की क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 9 बजे से होगी, ठीक है? कल 9 बजे से क्लास आपका स्टार्ट होगा, सो प्लीज बी क्लियर। और मैं ग्रुप में भी इसे डाल दे रहा हूँ कि 9 बजे कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो गाइस कल आप लोग प्लीज क्लास को मिस मत कीजिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर एक बार आपने मिस कर दिया तो फिर समझने में से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्लास को कल मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज आई विल क्विट दिस सेशन। सो अमन, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन। ओके अमन सेज, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन अबाउट नेम सर्वर। ओके अमन, श्योर, मैं बता रहा हूं आपको नेम सर्वर के बारे में। तो अमन यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वेबसाइट है ये shankarvisuals.com, ठीक है? ये एक डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम सिर्फ ऐसे ही तो हो नहीं सकता है, डेट मीन्स कि कोई इसे इंटर करे तो कहीं रिडायरेक्ट होगा ना। मतलब आप कहीं ना कहीं इस वेबसाइट को होस्ट तो करेंगे। उस होस्ट करने के लिए आप, मैंने जैसे आपको बताया, होस्टिंग सर्वर आप परचेज करते हो, ब्लू होस्ट का या होस्ट किटर का प्लान परचेज करते हो, ठीक है? वो होस्टिंग सर्वर हुई, ठीक है? और ये जो डोमेन नेम आपका हुआ, इस डोमेन नेम को आप अपने होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट करते हो, जो आपका ब्लू होस्ट होगा, जो आपका होस्ट गेटर होगा। इस होस्ट गेटर में जाओगे आप वहां पे, तो वहां पे आपको नेम सर्वर्स के, नेम सर्वर 1 है, नेम सर्वर 2 का कुछ लिंक होता है। बस आपको लिंक को कॉपी करना है और आपको अपने डोमेन के, जहां से आपने परचेज किया, वहां पे नेम सर्वर में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है? और ये जो डोमेन नेम होती है, इस डोमेन नेम के पीछे आईपी एड्रेस छुपा होता है आपके नेम सर्वर का। जो नेम सर्वर से जो हम लोग लिंक को कॉपी करेंगे, तो वो बेसिकली आईपी एड्रेस होती है आपकी वेब होस्टिंग सर्वर की, जो आपको रिडायरेक्ट करेगी आपकी वेबसाइट पे। डैट मीन्स कि आप जहाँ पे वेबसाइट को अपलोड करेंगे, जो आपकी होस्टिंग सर्वर है, ब्लू होस्ट और होस्ट गेटर, वहां पे आप इसे होस्ट करते हो आप अपनी वेबसाइट को, ठीक है? आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल उस जगह पे स्टोर होती है। तो उसके लिए आपको अपना डोमेन नेम सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ता है वहां पे, ठीक है? और अगर आप सेम जगह से परचेज कर रहे होते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो कंपनी वाली करके देती है, 5 से 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाती है आपकी नेम सर्वर। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से परचेज करते हैं, जैसे गोडैडी से आपने परचेज कर लिया, तो उसके लिए आपको गोडैडी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे केस में आप देखिए, मैं गोडैडी को ओपन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गो डैडी में आया। जस्ट आपको गो डैडी का अकाउंट ओपन करना है, साइन इन करना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली मैंने साइन इन कर रखा है, और यहाँ पे आपको मैनेज माई डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज माई डोमेन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डिटेल दिखेगा, जो भी आपने डोमेन्स को परचेज कर रखा है। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, इस पे नेम सर्वर्स की एक ऑप्शन आती है, सेट नेम सर्वर। तो जस्ट ये नेम सर्वर के पास जब आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट हटा के कस्टम करना है। नीचे में देखिए, ये चेंज पे क्लिक करेंगे, ये अभी तो कस्टम मैंने कर दिया है, बट ये डिफॉल्ट होती है। कस्टम आपको सेलेक्ट करना है, और आपको मेल पे ये आपको नेम सर्वर मिल जाएगा, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। जस्ट पेस्ट करना है और सेव कर देना है, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट के अंदर और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी, और ये जो वेबसाइट है खुलने लगेगी। डैट मीन्स कि आपकी वेब होस्ट वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी। जब तक आप ये कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी वेबसाइट एक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आई होप अमन यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और बेसिकली कल जब हम लोग इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा नेम सर्वर पे, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए कि एड्रेस ऑफ वेब सर्वर इज नोन एज आईपी एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। एंड एवरी डोमेन नेम इज इजी टू रिमेम्बर, दैट इज व्हाई आईपी एड्रेस इज नॉट कंसिडर्ड एज डोमेन नेम, ठीक है? तो आईपी एड्रेस को याद कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग डोमेन नेम परचेज करते हैं और उसको जस्ट आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर देते हैं अपने वेब होस्टिंग सर्वर का।
ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग डोमेन नेम विथ योर आईपी एड्रेस वेयर यू हैव अपलोडेड योर वेबसाइट इज नोन एज नेम सर्वर। जब आप इस डोमेन नेम को आप अपने होस्टिंग वेब सर्वर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम लोग नेम सर्वर बोलते हैं, ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो आई होप अमन यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कैन यू प्लीज रिप्लाई। ओके फाइन, तो अमन कल जब हम लोग क्लास में आएंगे, जब अपनी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेंगे, नेम सर्वर्स के बारे में सीखेंगे, और तब आपकी ये और भी डाउट्स क्लियर हो जाएगी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव जॉइंड दिस वेबिनार। ओके, जो लोगों ने अभी आज की क्लास को अटेंड किया, थैंक यू सो मच। तो हम लोग कल मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू सो मच गाइस।